So guys, hello and welcome back to another vlog video on my YouTube channel. दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल के एक और नए व्लॉग पे. एंड गाइज आई होप कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम चकाचक होंगे. और गाइज अभी सुबह हो गई है भैया, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है. और ये देखिए भैया, इधर आलू मटर हमने काट लिया है, इधर लहसुन और मिर्च भी काट ली, अभी बस प्याज काटना है. तो गाइज चाय वाय पी चुके हैं सुबह सुबह, और सारे बर्तन वर्तन वो देखिए बाल्टी में मैंने धुल के रख दिए हैं. और मतलब पूरा काम फिनिश हो गया है, बस अब भैया पेट पूजा के लिए जो भी व्यवस्था करनी थी वो कर रहे थे ये सब. और उसके बाद जो है मतलब अभी सब्जी बनाएंगे, फिर चावल बनाएंगे और फिर रोटी बनाएंगे. A few moments later. तो भैया डेली पापा खाना बना रहे थे, लेकिन भैया आज हम बना रहे हैं सब्जी. और ये देख लीजिए गाइस, हाँ 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 हाँ, एकदम जबरदस्त मसाला एकदम पक गया है, जलने लगा. भैया एक मिनट रुक जाओ. तो भाई ये लो, ये देखिए पानी वानी डाल दिया है, अब इसको ढक के रख देंगे, भैया पक जाएगी. A few hours later. तो भाई अभी दोपहर हो चुकी है, और सब्जी अब्जी सब मैंने बनाई थी, और चावल पापा ने बनाए हैं. क्योंकि यार चावल का मुझे भैया अंदाजा नहीं रहता है कितना पानी डालना है क्या डालना है. तो अभी भैया भूख भी लग गई है, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए. तो आइए चलते हैं, खाना खाते हैं. तो भैया खाना निकाल के ले आए हैं, ये देखिए भैया रोटी सब्जी चावल अभी बाद में लूँगा. और ये भैया गांव का एकदम भयानक देसी घी. तो भाई भूख लगी है बहुत तेज, पहले निपटाते हैं खाना उसके बाद करेंगे मुलाकात. भाई अपने हाथ से बनाई है सब्जी, बहुत चौकस बनी है यार, पहली बार इतनी अच्छी बनी है भाई, बहुत सही बनी. भैया हम इंजॉय करते हैं, ऐसा आप लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लो, ललचाना नहीं यार कोई. हाँ भाई नज़र मत लगाना, वैसे ही दो हड्डी का हूँ मैं. A few hours later. तो भैया खाना वाना खा लिया था सब कुछ, खाना वाना खा के पेट पूजा करके भाई लेटे हुए थे बहुत देर से. और लेटे 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 भाई अभी टाइम हो गया है 4:30, मतलब ऑलमोस्ट शाम हो गई है. तो अभी अभी भैया उठ रहे हैं, लेटे हुए थे, और सोच रहा हूँ थोड़ा सा बाहर चलते हैं भैया, क्योंकि भैया लेटे लेटे एकदम बोर हो गए हैं और शाम भी हो गई है. तो आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब घर के बाहर. भैया घर के बाहर का ही माहौल समझ लें, क्योंकि यार घर में किट्टू विट्टू तो है नहीं, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है. तो गाइस आइए चलते हैं थोड़ा सा घर के बाहर. तो गाइस यार आगे चलता हूँ, इंजन चल रहा है पानी वाला, मतलब ट्यूबवेल जिसे बोलते हैं ना गांव में, वही आगे चल रहा है पानी वाला, जहाँ पे पेपरमिंट को पेरने वाली जहाँ पे टंकियाँ रखी थी ना वहीं पे. तो आइए देखते हैं क्या मैटर हो रहा है यहाँ पे. ये देखो भैया यहाँ पे चल रहा है ट्यूबवेल, ये देखो भैया पास से देख लो थोड़ा, बम्पर पानी आता है एकदम, ये ऐसे इधर से होते हुए इधर रास्ता बना दिया गया, और वो देखिए उधर खेत में पानी जा रहा है. तो भैया अभी टहलते टहलते शाम को इधर खेत की तरफ आए हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि भैया आलू और सरसों जो है दोनों चीज़ें जो है खेत से भैया हट गई हैं अब कट पिट के, और आलू खुद खुद के. तो अब भाई पेपरमिंट लगाने का टाइम आ गया है, तो वही यहाँ पे पेपरमिंट खेत में लगाई जा रही है. तो ये देखिए इधर साइड ये पूरा खेत जो है, ये देखिए शुरू से लेके आखिरी तक इसमें पेपरमिंट लग चुकी है. और गाइस ये वही मेरे दोस्त का खेत है जहाँ पे उन लोग सरसों काट रहे थे, पुराने वीडियो में मैं आप लोगों को मैंने दिखाया था. तो गाइस ये वही वाला खेत है. भैया पिपरमिंट की बुआई
और गाइज मेरे पीछे हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, इतना प्यारा सनसेट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मज़ा आ जाती है इस सनसेट को देख के। गाइज ये देखिए कितना प्यारा सनसेट लग रहा है गांव में, वाह यार। एंड गाइज ये देखिए जो सरसों है ना, ये देखिए ये सारी सरसों अभी काट के डाली गई है। और गाइज इसके बाद मतलब इतने दिनों तक खेती करने के और इन सब के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो भैया ये देखिए, ये है फाइनल प्रोडक्ट। इसके लिए भैया खेती करी जाती है और इसी से भैया तेल निकलता है। तो भैया अभी शाम के बज चुके हैं, वही मतलब 6:15 बचे हैं, तो वही 6:15 हो गया है। और तब से थोड़ी देर से यहाँ खेत में थे, तो गाइस यार अब चलते हैं घर, शाम हो गई है और आज संडे भी है, तो संडे को यहाँ पे ना वही बाजार बाजार लगती है। तो इतने दिन से सब्जी वब्जी आई नहीं थी क्योंकि हम लोग थे भी नहीं। तो गाइस आइए चलते हैं बाज़ार में, थोड़ा सा सब्जी वब्जी और मतलब यही सब ले आते हैं जाके, क्योंकि प्याज और लहसुन ये सब ख़त्म हो गया था और बहुत सारी चीज़ें, टमाटर तो मैं उस समय खरीद के लाया था तो वो सारा बेकार हो गया था क्योंकि कोई घर में था ही नहीं, वो रखे सड़ गया। तो इसी वजह से गाइस आइए चलते हैं बाज़ार और मतलब सब्जी वब्जी ले आते हैं। ये भैया छोटी सी नदी पार करते हुए, गाइस यार पानी देखो कितना साफ है इतना, ये देखो गाइस यहाँ पे भी पूरा पानी के आर पार दिख रहा है। तो भैया पहुँच गए हैं बाजार में, ऐसा कुछ नज़ारा है भैया, और दोनों तरफ भैया सब्जी वब्जी की दुकानें ऐसे 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 लगी हुई हैं। तो भाई सब्जी खरीदने के बाद मुलाकात करते हैं। तो गाइस यार सब्जी वब्जी लेके भैया वापस आ गए हैं। ये देखिए भैया बहुत ढेर सारी सब्जी मैं ले आया हूँ, पालक धनिया गोभी प्याज टमाटर हरी मिर्च कुछ लेके आ गया हूँ। और भैया अब थोड़ा सा म्यूज़िक सुनने का मन हो रहा है मेरा ज़बरदस्त, क्योंकि यार अपना मेन पैशन तो भाई म्यूज़िक ही था, लेकिन क्या बताएं भाई लाइफ कब किसको कहाँ पे ले जाती है वो किसी को मालूम नहीं होता है। तो गाइज अभी मेरा मन बहुत तेज़ से जो है ना म्यूज़िक ही आ रहा है, तो भाई पहले थोड़ा सा गाने वाने सुन लेते हैं उसके बाद मुलाकात करेंगे, क्योंकि भाई गाने अगर आपको सुनाऊंगा तो वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा भाई। A few moments later. रात भी हो गई है और भैया डेली की तरह यार लाइट चली गई है, तो भाई ये देखो इमरजेंसी लाइट जल रही है और अपने फ़ोन की भैया जो है ना फ़ोन की भी इमरजेंसी लाइट जल रही है। वाह भाई वाह, इतनी भयानक बेइज्जती कर दी मैंने लाइट की कि तुरंत लाइट आ गई। तो भैया लाइट आ गई है और फिलहाल भैया बैठे हुए हैं घर में, क्या करें अब रात हो गई है कहाँ जाएं, और कोई है भी नहीं, किट्टू उट्टू लोग भी नहीं है, तो भाई एकदम सन्नाटा है। फिलहाल ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं भैया। तो भाई आज वैसे तो ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है दिन भर में, और देखते हैं अभी क्या होता है। टाइम वैसे अभी 8:30 हो गया है, तो देखते हैं बाकी आगे जो भी होगा वो मैं शेयर करूंगा ज़रूर, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। 2 hours later. तो भैया अभी रात का बज चुका है 10:44 और भाई पापा तो खाना खा के सो गए हैं, और भैया अब हमें भी भूख लग रही है। मैं वीडियो को एडिट कर रहा था बट लास्ट का जो एंड का पार्ट होता है ना वो एडिट करना अभी बचा था, मैंने सोचा भैया पहले पेट पूजा कर लें उसके बाद उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो भैया ये देख लो खाना वाना निकाल के ले आया हूँ और बस भैया खाना खाने जा रहे हैं, तो खाना वाना खाएंगे उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे और उसके बाद सीधे बिस्तर पकड़ लेंगे भाई। तो भैया आज के वीडियो को फिर यहीं पर एंड करूँगा। तो गाइज अगर आज के वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो भैया वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और भैया अगर चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो भैया आपको भकाभक मिलते रहें।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।